तो गाइस आप हर मिनट कमा सकते हो 2.8 मिलियन अपने GTA ऑनलाइन में, और किस चीज़ के सहारे? मनी ग्लिच के सहारे। तो क्या है मनी ग्लिच, कैसे होता है मनी ग्लिच, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को देखिएगा एंड तक। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं बता दूँ पहले ये मनी ग्लिच होता क्या है। मनी ग्लिच सिंपली एक गलती होती है जो GTA की कंपनी या गेम की कंपनी करती है, और वो गलती से आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं और गेम्स के रूल टूटने लगते हैं और ऐसे पैसे मिलने लगते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते। सिंपल भाषा में उसे ही ग्लिच कहते हैं। कई बार वो ग्लिच कंपनी करती है और कई बार खेलने वाला बंदा खुद करता है। तो गाइस ये जो ग्लिच है इसे पहले कंपनी ने किया था, और ये PS5 और PS4 और कई डिवाइसेस में, एक्सबॉक्स में, इन सब में ग्लिच हुआ था, लेकिन अब ये PC में भी ग्लिच आ चुका है और PC में भी लोग इसे परफॉर्म कर रहे हैं। और सिंपली इनको PC में लाने वाले हैकर्स ही हैं। पहले तो कंपनी की गलती से आया था, लेकिन अब हैकर्स की गलती से आया है। तो क्या है ये ग्लिच? गाइस ये ग्लिच कुछ नहीं है। इस ग्लिच के अंदर आप एक ऑनलाइन करेक्टर होते हो, तो आपको दो अलग अलग करेक्टर बनाने होते हैं, और जब आप दो अलग अलग करेक्टर बना लेते हो तो उसके बाद आप एक करेक्टर से मनी अर्न करके ना क्या होता है, एक डुलेक्सो कार खरीदनी होती है। और जब आप डुलेक्सो कार खरीद के वापस से स्टोरी मोड में जाके वापस से ऑनलाइन में आएंगे, तो जो डुलेक्सो कार या कोई भी कार आपने खरीदी है उसके पैसे आपके अकाउंट से कट नहीं होंगे। प्लस अगर आप उस कार को सेल करने जाते हो तो सेल करने पे भी आपको 2.8 मिलियन मिलेंगे। और आप इस सिस्टम को पूरा रिपीट करते जाएंगे तो आपको हर नए रिपीटेशन के साथ 2.8 मिलियन की कमाई होगी। पर गाइस ये करना कितना सही है, तो मैं बता दूं गाइस ये करना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये रॉकस्टार की नज़र में एक इनलीगल काम है और ये हैकिंग से रिलेटेड काम है। तो अगर रॉकस्टार को आपकी ये हरकत के बारे में पता चल गया तो वो आपको हमेशा का हमेशा के लिए GTA ऑनलाइन से कर सकता है बैन, और आपका जो गेम है जो आपने ख़रीदा है 3,500-4,500 रुपये में, वो आपका गेम बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से और आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसके अलावा एक और बात है, जैसे कि आप अगर कोई यूट्यूबर हैं या कोई इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं, तो अगर मैं आपको ये खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं आपको ये खुल के बताऊंगा या करके दिखाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे को भी यूट्यूब स्ट्राइक दे दे, क्योंकि ये एक गलत काम है जिसे यूट्यूब की पॉलिसी भी गलत कहती है। और अगर यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन दे दिया तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा और आपका करियर भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये भी बहुत चिंताजनक विषय है जो हर बंदे को नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ये काम ना करें और इस तरीके के गलत काम ना करें। एक ऑनेस्ट प्लेयर बनिए और ढंग से गेम खेलिए, क्योंकि गाइस मज़ा भी इसी में आता है। अगर आप इस तरीके की हैकिंग करके पैसे ले रहे हो और मिशंस पूरे कर रहे हो तो उसमें फ़ायदा क्या है, गेम खरीदने का फ़ायदा क्या है? जब आपने इतनी बड़ी अमाउंट 3,500-4,000 रुपए की अमाउंट खर्ची है तो आपने कुछ मज़ा लेने के लिए ही खर्ची होगी। तो अगर आपको उसमें मज़ा ही लेना है तो आप ढंग से गेम खेलो ताकि मज़ा आए और आप और ज़्यादा आगे गेम में प्रो बन सकें। अगर आप इस तरीके की हैकिंग करोगे तो फिर तो इतनी मनी लगाना बेकार है। तो गाइस ये थी GTA मनी ग्लिच। आई होप आपको समझ में आया होगा GTA ऑनलाइन का मनी ग्लिच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय।